पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने साइकिल चलाई और शिवराज सिंह सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया। भोपाल में कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसके खिलाफ साइकिल यात्रा की। दिग्विजय सिंह कांग्रेसियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले का घेराव करना चाहते थे। दिग्विजय सिंह ने बताया कि पूरे देश में डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमत को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। 2008 में शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए तत्कालीन केंद्र में कांग्रेस यूपीए सरकार के खिलाफ नाटक नौटंकी किया था। जब वो मुख्यमंत्री निवास से साइकिल पर मंत्रालय तक गए थे, तब कच्चे तेल का भाव $140 प्रति बैरल था और पेट्रोल का भाव लगभग ₹50 प्रति लीटर था, डीजल का भाव ₹40-42 था और उन्होंने पूरे देश में भाजपा ने प्रदर्शन किया था। आज जब कच्चा तेल $40 प्रति बैरल है, तब डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया, ₹80 लीटर डीजल हो गया है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 80 पार हो चुकी है। हम दो मांगे रखते हैं शिवराज चौहान जी के सामने। पहली मांग ये है कि अगर वो जनता का हित देखते हैं, अगर जनता की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिशोध के रूप में वे साइकिल पर बैठकर गए थे केंद्र सरकार के खिलाफ, तो उनमें अगर हिम्मत है, अगर साहस है, तो मोदी शाह की सरकार, भाजपा केंद्र सरकार के खिलाफ हमारे साथ साइकिल पर चले, हम उनके साथ मंत्रालय जाने के लिए तैयार हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।